1965 में गाइड आई, विजय आनंद जिनको गोल्डी कहा जाता था। गोल्डी एक ऐसे कमाल के जीनियस फिल्म मेकर थे कि उनका लोहा पूरी इंडस्ट्री तब भी मानती है और आज भी मानती है। गाइड में जिस तरह से देवानंद साहब और गोल्डी ने मिलकर काम किया, एक अमर फिल्म बन के आई। और 1967 में एक फिल्म का आइडिया गोल्डी को आया, वो थी ज्वेल थीफ। ज्वेल थीफ में देवानंद थे, टू हीरो फिल्म थी। और आज 57 साल उस फिल्म को पूरे हुए ज्वेल थीफ को, और ज्वेल थीफ में टू हीरो फिल्म, तो देवानंद उसके पॉजिटिव कैरेक्टर थे, अशोक कुमार उसमें थे, वैजयंती माला थी और तनुजा थी। तो हुआ ये कि गोल्डी राजकुमार साहब के पास गए, राजकुमार साहब ने सब सुना वुना, कहानी वानी सुन को उनको पसंद आई। फिर उन्होंने इसलिए मना कर दिया कि इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी देवानंद थे और मेन लीड जो फर्स्ट हीरो है वो देवानंद कर रहे थे, तो उन्होंने फिल्म से मना कर दिया। अब गोल्डी ने बहुत सोचा कि क्या होगा। तो इस कैरेक्टर के लिए उनको तो सबसे फिट एक्टर लगे वो है अशोक कुमार। दादामुनि उस समय बहुत बड़े स्टार होते थे, और दादामुनि का हार्ट का प्रॉब्लम शुरू हो गया था, वो हार्ट अटैक उनको आ चुका था। और जब वो वापस आए, वो शूट कर रहे थे, और गोल्डी ने देवानंद से कहा कि भाई मुझे दादामुनि इस कैरेक्टर के लिए फिट बैठते हैं। तो देव साहब गोल्डी को लेकर पहुंचे स्टूडियो में जहां अशोक कुमार शूट कर रहे थे। तो अशोक कुमार साहब से उन्होंने कहा कि सब ये गोल्डी हैं, ये एक आपको लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं, तो इस सिलसिले में आपसे बात करना थी। अब देवानंद ने गोल्डी के हाथ में सूत्र दे दिए। गोल्डी ने कहा कि ऐसा है दादामुनि कि आप इंडस्ट्री के उन चुनिंदा एक्टर्स में से हैं जिनमें वाकई दम है, निगेटिव किरदार करने का भी दम है, एंटी हीरो करने का भी दम है, क्योंकि इसके पहले आप कर चुके हैं। क्योंकि उस समय बॉलीवुड में जो हीरो होते थे, हीरो सिर्फ हीरोइज्म करता था, वो बुरे काम नहीं कर सकता था। और इसके लिए किसी भी हीरो में दम नहीं था कि उस धारा से विपरीत चले जाए। और अशोक कुमार ने धारा से विपरीत जाने का एक दो फिल्मों में साहस दिखाया था। इसलिए गोल्डी की हिम्मत हुई कि अशोक कुमार ही वो है जो ये कर सकते हैं। इसलिए अशोक कुमार को उन्होंने खूब मनाया कराया। उन्होंने कहा कि ये दो हीरो की फिल्म है, लेकिन आखिरी में जाके पता पड़ता है कि आपका किरदार ग्रे है। तो अशोक कुमार असमंजस में थे, देवानंद लेकर आए थे, गोल्डी का नाम हो चुका था बहुत। तो उन्होंने तीन शर्तें रखी कि भले एक तो मैं किसी से फाइट नहीं करूंगा, कोई मुझसे फाइट नहीं करेगा, और शर्तें मान ली गई। अब ये एक बड़ा अच्छी बात हो गई कि ये एक बड़ा जीनियस फिल्म थी। अगर आप लोगों ने ज्वेल थीफ नहीं देखी तो 57 साल बाद भी वो उतनी ही प्रासंगिक फिल्म है और उतनी ही एंगेजिंग फिल्म है। इसलिए गोल्डी को महान फिल्म मेकर माना जाता है। आप ये फिल्म देखिएगा जरूर। विजय आनंद की ये जो फिल्म है वो अपने आप में ज्वेल है, ज्वेल थी जो है अपने आप में ज्वेल है। ये फिल्म जरूर देखी जानी चाहिए। अब फिल्म शुरू हुई क्योंकि दादामुनि को हार्ट का प्रॉब्लम था, तो उन्होंने कहा मैं 11 बजे से शूट शुरू करता हूं और 6 बजे पैकअप हो जाता है। तो अब सवाल ये हुआ कि 11 बजे वो फिल्म शुरू करेंगे, 11 12 1 बजे लंच ब्रेक हो जाएगा, तो 2 ही घंटे शूट होगा। खैर अब दादामुनि की जरूरत थी तो शुरू हुआ। पहले दिन के शूट में देवानंद साहब और दादामुनि दोनों एक साथ 11 बजे पहुंच गए। इस फिल्म की जो हीरोइन थी वो थी वैजंती माला बाली। वैजंती माला 11 बजे पहुंची नहीं। अब उनके घर हरकारा पहुंचाया गया, एक असिस्टेंट उनके घर पहुंचाया गया। उन्हें कहा मैं आ रही हूं मेकअप करके, फिर आधे घंटे में गया, फिर आधे घंटे में, ऐसे 4 बार 1 घंटे में 4 असिस्टेंट जाके वैजयंती माला के यहां जाके वो परेशान हो गई। उसने कहा मैं मेकअप करके आ जाऊंगी, तैयार होके, परेशान मत करो। अब ये करते करते वो 1 बजे आई। गोल्डी साहब ने कहा आपके लिए लंच ब्रेक है। अब वो बड़ी परेशान हुई कि वो बहुत बड़ी हीरोइन थी उस समय की, कि इतने पीछे मेरे पड़े हुए थे और अल्टीमेटली मैं आई तो लंच ब्रेक अनाउंस कर दिया, ये क्या तरीका है।
फिर उन्होंने समझाया कि देव साहब ने उनको कहा कि भाई हमारे बीच में एक हार्ट पेशेंट है जो कि इसी समय शूट करता कर सकते हैं, वो 11 बजे आएंगे, 2:30 बजे तक, 1:30 बजे तक हम 2 घंटे शूट कर पाएंगे। फिर हालांकि ये बात फिर उन्होंने प्रैक्टिस में डाल ली, लेकिन उनकी जो एक खुन्नस है वो गोल्डी जी के लिए लगातार बनी रही पूरी फिल्म में। हालांकि विजयानंद बहुत बड़ा नाम थे डायरेक्शन की दुनिया में, लेकिन ये भी स्टार थी तो खुन्नस बनी रही। खैर उसके बाद और फिल्म आगे बढ़ी, फिर गाने शूट हुए। गाना इस फिल्म का था हो तो ऐसी बात, तो ये इस गाने को लेके गोल्डी और विजय वैजयंती माला का फिर वो हो गया, वो चाहते थे कि इसकी रिहर्सल कर ली जाए, बार बार रिहर्सल करे कि और अच्छा हो जाए वो गाना। पर वैजयंती माला वो खुद डांसर थी, वो बोलती कि मुझे जरूरत नहीं। पर एक बार वो अड़ गए, उन्होंने पैकअप करने के बाद वैजयंती माला से कहा कि आप इस गाने की रिहर्सल करके जाएंगे। उन्होंने 15-20 मिनट रिहर्सल की और वो चली गई। उन्होंने कहा कि सरोज जी मेरे घर पे आ रही है, हम रिहर्सल कर लेंगे। हालांकि वैसा हुआ नहीं, लेकिन वो गाना आज भी यादगार गाना है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि सीरियल्स में और रियलिटी शोज में वो गाने का इस्तेमाल होता है। लेकिन गोल्डी हमेशा यही मानते रहे कि भाई अगर वैजयंती माला और मेहनत कर देती तो ये गाना कुछ और अलग मकाम पे होता। खैर जो भी हुआ, आज ज्वेल थीप 57 साल की हो गई और जैसे मैंने कहा कि अपने आप में एक ज्वेल है, एक रत्न है भारतीय सिनेमा का। और इतनी एंगेजिंग फिल्म, इतनी मतलब इतना कमाल का सस्पेंस थ्रिलर है। श्रीराम राघवन एक मैं उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है जो कभी भी पुरानी नहीं हो सकती। ये जब देखो, आज की जनरेशन भी देखेगी तो वैसी ही एंगेज होके देखेगी जैसे उस समय की जनरेशन। तो 57 साल से जो रिलेवेंस जिसका बना रहे, जो पुरानी ना हो, वो वाकई एक महान सिनेमा ही होगा, क्योंकि वो द ग्रेट गोल्डी जी ने बनाया हुआ सिनेमा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मुझे लगता है एक बार देख लेना चाहिए। ज्वेल थीप के 57 साल पूरे हो गए, मुझे लगता है आने वाली कई नस्लें ज्वेल थीप देख के वैसे ही हैरान हो जाएगी कि ये क्या सिनेमा बनाया गोल्डी साहब ने। इसलिए गोल्डी विजयानंद हमेशा अमर रहेंगे, तो एक बार देखिएगा जरूर।